अयोध्या दास स्काउट कुटीर में स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेटन पावेल की 165वीं एवं उनकी पत्नी विश्व गाइड चीफ मिस ओवर ऑल सॉन्ग्स एंड क्लेयर की जयंती को उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि करते हुए चिंतन दिवस एवं विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके संबंध में प्रादेशिक स्काउटर प्रतिनिधि अजय गुप्ता उर्फ बजरंगी ने बताया कि हम ऐसे मनुष्य का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके द्वारा 1907 में बनाया गया संगठन वैश्विक स्तर पर छात्रों के लिए सबसे बड़ा वर्दीधारी स्वयंसेवी संगठन के रूप में विख्यात हुआ। उन्होंने कहा कि बेटन पावेल ने बच्चों के लिए ऐसी संस्था की नींव रखी जो वर्तमान में भी छात्र छात्राओं को सेवा भावना के प्रेरणा देने में सहायक है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुंदरम शुक्ला, दुर्गावती धुसिया, स्नेहा कुमारी, नीलू भारती, गौरी गुप्ता, खुशबू गौर, अभय और सौरभ कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए प्रादेशिक स्काउटर प्रतिनिधि अजय गुप्ता बजरंगी ने कहा, अजय गुप्ता बजरंगी एडवोकेट प्रशिक्षक भारत स्काउट गाइड। आज स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेटन पावेल, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड लंदन में हुआ था, जिन्होंने इंग्लैंड की सेना में कार्यरत रहते हुए बालकों के लिए स्काउटिंग शुरू की और धीरे धीरे वह स्काउटिंग आज संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी वर्दीधारी संस्था के रूप में देखी जाती है, जानी जाती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र सेवा और समाज सेवा है। आज हम सब संपूर्ण विश्व में लॉर्ड बेटन पावेल और मिस ओले सोम्स क्लेयर की जयंती चिंतन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ स्काउट कुटीर में भी जनपद गोरखपुर जिला इकाई के द्वारा दोनों महानुभावों की जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज हम यह व्रत लेंगे कि बेटन पावेल के द्वारा बताए गए मार्गों पर चल करके राष्ट्र और समाज के लिए अपना योगदान दे सकें।